उसी में बात करेंगे। ट्रेडिशनल टाइप जो है थोड़ा हिंदी में नहीं बोलो, नहीं बोलो बस। नेक्स्ट व्लॉग में और थोड़ी सीख क्या आएगी ये। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और डीएम्स भी आते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब के अलावा और आप क्या करती हैं और क्या सोर्स ऑफ इनकम है मेरी। सो गाइस, मेरा तो मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है, लेकिन उसके अलावा भी मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, जिसपे मैं मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक हमारी प्रॉपर टीम भी है। गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता जॉब के लिए और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो कैमरा फेस नहीं कर पाते और लेकिन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। वो ये है कि आप लोग घर बैठे मंथली 50 to 40,000 अर्न कर सकते हैं आराम से पार्ट टाइम जॉब करके। इसके लिए आपको कोई हाई रिक्वायरमेंट नहीं दी जाएगी, आपको बस इतना करना है कि मेरे बायो में जाना है, लिंक को ओपन करना है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और मेरी कॉन्क्योर की टीम आपको खुद रब्ता करेगी और आपको सारी गाइडेंस देगी और आपको सिखाएगी जॉब के बारे में। आफ्टर गाइडेंस आपको पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस, इज ऑल अप टू यू। बट एक प्रॉब्लम है, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस, सो हरी अप गाइस, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। बेस्ट ऑफ लक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। डरा दिया मुझे अचानक। तो गाइस, हम लोगों ने आज ब्लैक ट्रेनिंग की हुई है और आज सोनी थी लगे तो सो टाइटल आपको तो पता चल ही गया होगा। तो आज अली मुझसे सिर्फ सिंधी में बात करेंगे। सिंधी का लाइन दो मास आऊं इन्हें सिंधी में जवाब देना। अच्छा हाला ठीक है। मैं कह रहा था आप सबको इसको मोटिवेट करना है कि ये सिंधी में ब्लॉग बनाए। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी दोबारा से सिंधी में नहीं बनाएगा। जी तो थोड़ी थोड़ी अच्छी थोड़ी तो आई एम ट्राइंग कि मुझे आ जाए। तो अगर हम व्लॉग ऐसे ही बनाते रहेंगे तो हमें मुझे थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी तो वैसे ही आती है, थोड़ी थोड़ी बस कन्वर्सेशन के लिए, लेकिन वो जो लंबी वाली मुझे समझ सब आती है। वो कैसे लटका हुआ है? अरे तो मैं सब हिंदी में बोल रहे हैं आज। सही है, लटका हुआ है इसके अपने मन। मैंने ये जूड़ा ट्राई किया, गुलाब जो गुल था, गुलाब जो गुल, मुझे सिर्फ फूल लगाने हैं, पीछे अगर रास्ते से मिल जाए तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज। मैंने कहा आज आप गुलाब के फूल जैसे लग रही है। लगाने को नहीं कहा यार, लेकिन तो पीछे लगाना है, देखते रास्ते क्या। तो बस हम पहुंचते हैं, देन फिर आपके साथ मैं स्टे ट्यून्ड रहती हूँ। बाकी अगर मैं व्लॉग ना बना सकती तो अली को पकड़ा दूंगी और अली को भी आज व्लॉग बनाना पड़ेगा, अब क्योंकि अली को सिंधी बोलना है तो अली को हाथ में व्लॉग पकड़ना होगा। तो बस अब लेट्स गो, हमें बहुत देर हो गई है। तो अब हम आ चुके हैं शूट पर, ठीक है? खाते हैं ठीक है, सारा व्लॉग ही सिंधी पे आज हमारे। तो आंधी नहीं, मतलब मैं पंजाबी बोल रही, मतलब आंधी नहीं है, हिंदी तो नहीं बोल रही, पंजाबी बोल रही। अली आगे चल रहे हैं ड्राइवर के साथ, क्योंकि हम लोकेशन देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैं उर्दू में बात करूँगी क्योंकि मुझे नहीं आती है, तो अली सिर्फ हिंदी में मुझसे बात करेगा। ऑल सेट, लगती गर्मी है, मैं हील पहन के गिर ना जाऊँ। आज ऐसा ट्रेडिशनल टाइप जो एक शूट कराया उधर का, हमें ये मिला था अभी, इसमें शूट करवाया हमने और अली लड़ते हुए मुझसे बहुत मजा आया। बस एक एक गाँव के चलाया नहीं इसे, इधर खड़े होना है, मारे का तो नहीं है पर चला इसे घोड़े से। ओके एक वो भी तो रख दें सामने, छोटी सी चादर वाइट हो जाएगा इलाज इंशाल्लाह। तुम ही बैठे हुए थे मेरे पास, समझ आ रही है? अभी आ रही है, मेरी वीडियो बना रहे थे जबकि तुम भी मेरे साथ बैठे थे। गाइस, मैं आप और तुम का मिक्सचर कर रही हूँ क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग टू से आप टू अली, क्योंकि अली और मैं दोस्त भी हैं। नहीं दोस्त, ये तो कब्रिस्तान लग रहा है। माता जी दोस्त है, तामु जी दोस्त है। ये तोड़ के देना, वो पानी नहीं देता लगता है। सीजन खत्म हो गया ना ये लो। चलो अब ये फ्लावर तुमने मुझे देना है, सही है? जोड़े में लगाना है। जोड़े में नहीं, जूड़े में। जोड़े
ऐसी बातें कर रहे हो आप, ये बदतमीजी नहीं कर। बेगम यहाँ पर साड़ी में चल रही है और आगे देखो बातें बातें करते हुए चलते रहे। ये नहीं कि बेगम काके से ख्याल कर ले थोड़ा सा पकड़ ले साड़ी, नहीं भाई गिर पड़ जाऊँ पीछे गायब। अली हम लोग शूट से फ्री हो गए हैं और अली ने आज मुझे इतना कोई तंग किया है ना शूट पे, इतना कोई तंग किया है कि पता नहीं आज अली कौन से मूड में था। इतनी कोई हंसी मजाक, और मैंने कहा अली व्लॉग बना लो, व्लॉग के सामने तो अली कुछ नहीं बोलता, लेकिन अली जो व्लॉग के पीछे बोलता है ना, ओफो इतना तंग किया है। और मुझे इतना गुस्सा आया था, इसकी पिकनिक चल रही थी, पिकनिक में आपने क्या क्या खाया? फोटोग्राफर कह रहा था कभी आप कभी आप पापड़ ले लें, फिर तो कह रहा था आप साइकिल पे भी बैठ जाएं। आप पहले सिंधी में बात करें, पहले आप सिंधी में बताएं। छापे चेस फोटोग्राफर, फोटोग्राफर चयो ता साइकिल बैठने में क्या करते हैं, साइकिल ते वे हो आई पापड़ जो थैले बा पकड़े हो सॉरी पापड़ के थैले जो पकड़े हो है, पापड़ के थैले के पकड़े हो के थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप के शूट करे। हां या वो ही। यस तो बस अब हम ऐसे ही बैठ गए हैं एंड अरे सालों का आने सा खाइंदा से चाट खा रहा वो सा मानत खाई चाट केड़ा चाट केएफसी जलाए विंग्स मैकडॉनल्ड्स है मैकडॉनल्ड्स ऐसे साड़ी में सब असा के डिसन गाइस वी आर नॉट गोइंग नहीं बोलो बस नेक्स्ट व्लॉग में और थोड़ी सीख क्या आएगी ये फिर बोलेगी आई तो करते हैं नहीं आई तो हां जो फरमाइश आता असा गलाई आई दो सिंधी में काउंटिंग भी आती है एक बाडा एक डायरेक्ट एक दो दस सैटरडे को ड्रीम बर्ड यस वी आर नहीं असा ड्रीम बर्ड ते वे हो पास्ट हो क्या गई नींद में ख्वाब में गोइंग फ्यूचर असा ते व्लॉग इसमें पहनी हुई साड़ी और हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर और लोग आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करेंगे उनका रिएक्ट अजीब सा होगा नींद आ रही है नींद पका रहा है तो लड़की से बातें करके नहीं नहीं वो बता रही थी कि आप ये डील करते हैं तो वही डील करेंगे देख लो अच्छा खैर ऑर्डर हो चुका है हम थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि अली को नींद आ रही है तो नींद पकाने के लिए बेस्ट तरीका है कि कुछ खाया जाए। सो गाइस फाइनली मानी अच्छी मानी अच्छी अभी रिसेंटली हफ्सा शेर की शादी हुई है तो हम लोगों ने देखा था अली को ही मैंने दिखाया था कि हमारे शादी होने के बाद बहुत प्यारे लग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं अली को बता रही थी कि ये लोग कितने टाइम से मतलब साथ हैं और माशाल्लाह इतनी मतलब एज से छोटी एज से साथ हैं और अभी फाइनली उन लोगों ने डिसीजन ले लिया है और हमारी शादी के फौरन बाद इनकी शादी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार देखो हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इतने से थे और देखो इतने बड़े हो गए अब शादी हो रही है सबकी मैं तो ज्यादा आप लोगों के बारे में जानता हूँ नहीं मैंने जब भी आपके लिए मैंने सुना है इज़मा की तरफ से तो बहुत अच्छा ही सुना है तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आमीन आमीन हम सबको खुश रखे तो जिसका निकाह हुआ है अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमें खुश रखे और जिनके होने वाले हैं उनको भी खुश रखे अपनी दुआ में आते रहो बस ये है कि हार नहीं माननी हमें भी सवा दो साल साथ हो गए हमने बहुत मसले देखे मुश्किलात देखी लेकिन पीछे नहीं हटे बेशक अच्छा और दूसरी बात ये कि आप लोग हमें देखते हैं साथ आप लोग अदर कपल्स को साथ देते हैं प्लीज माशाल्लाह बोल दिया करें क्योंकि नजर बहुत गंदी चीज होती है जो किसी को भी लग सकती है तो नींद आ गई है सुबह 9 बजे से हम निकलते हैं सारा दिन आगे पीछे काम से तो शाम इस टाइम पे बंदा थकन तो होगी ना।
गाइस नींद आ रही है बहुत, मैं अली को बोलती हूँ कि रात में सो जाया करें बट ये नहीं सोते हैं, तो आप लोग इनकी पिक्चर्स पे जाके बकायदा कमेंट करें कि अली भाई टाइम से सो जाया करें, आप ही परेशान हो जाती हैं। सो गाइस अब इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अली बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो सुबह से सो ही नहीं थे और मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मेरी भी नींदें पूरी नहीं हुई थी। शादी के बाद हमारा फर्स्ट शूट था तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट व्लॉग नहीं भूलेंगे जिसके बाद अरे बहुत मजे का आने वाला है। बाय बाय। इस ब्लॉग के एंड में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो चीज़ आपको बताई है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में उस पर जरूर गौर करेंगे, उसे इग्नोर बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो यस, बेस्ट ऑफ लक।